हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे रिफ्रेशर ऑफ डेरिवेटिव्स। आज तक हमने आपको जो भी डेरिवेटिव्स के बारे में बताया, डिफरेंशिएशन के बारे में बताया, उसके बारे में एक एक करके हम लोग आज देखते हैं। डिफरेंशिएशन रूल को ध्यान से देखो, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा, दैट्स व्हाई वी से स्लोप इज जीरो। अगर 2x है कोई तो उसका स्लोप हो जाएगा, x को डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू 2। ध्यान से देखिए, इट इज y इक्वल्स टू 3, इट्स अ कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट का मतलब क्या है? y इक्वल्स टू 3 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू 3 सॉरी y इक्वल्स टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3। सो इसका स्लोप हो गया जीरो। ये ऊपर साइड में है इसलिए पॉजिटिव, नीचे आ जाता तो y इक्वल्स टू -3 होता। यहाँ पर देखें, इट इज अ लाइन y इक्वल्स टू 2x, इसका स्लोप कितना कहेंगे? 2 कहेंगे। स्क्वायर फंक्शन, अगर टी स्क्वायर के जैसा कोई फंक्शन है उसका स्लोप कितना कहेंगे? 2t कहेंगे। तो इस तरह से आपको हमने दिखलाया था कि कांस्टेंट का स्लोप का जीरो का क्या मतलब है। कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको याद रखना चाहिए। अगर कोई टेंजेंट लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल, ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल का क्या मतलब? ये जो आप येलो कलर में देख रहे हो, ये एक्यूट एंगल है, मतलब बिटवीन 0 to 90 degree है। बिटवीन 0 to 90 degree में आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को देखें, टेन थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। याद करो, 10 0 0, 10 30, 1/√3, 10 45 प्लस 1, 10 60, 1/√3, लाइक दिस। तो उस तरह से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू जाएंगे उसके लिए टेन अल्फा का मान चूंकि पॉजिटिव होता है, इसलिए डेरिवेटिव dy/dx का मान भी पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखो, जब आपका टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, उस समय का ऑब्जर्वेशंस क्या है? इफ द टेंजेंट लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिकम्स नेगेटिव। व्हाई इट बिकम्स नेगेटिव? बिकॉज यू नो फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल वैल्यू ऑफ टेन अल्फा इज लेस देन जीरो, नेगेटिव। टेन अल्फा नेगेटिव मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग नेगेटिव। आप याद कीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल में 10 120 का मान समथिंग विथ नेगेटिव, 10 150, 10 135 ऑल आर विथ नेगेटिव। ध्यान से देखिए, जब आपका फंक्शन टॉप स्मूथ टॉप का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस में स्लोप हमारा हमेशा जीरो होगा। माइंड करो, जब भी आपका स्लोप जीरो हो जाता है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहीं से नेचर ऑफ द कर्व आपका चेंज होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम होता है। तो याद रखो, टॉप पर भी जब हमारा स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, या बॉटम पर भी जहाँ से उसका नेचर चेंज हो रहा है, दोनों ही जगह पर dy/dx का वैल्यू जीरो होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं f'x इज जीरो, बिकॉज फॉर 0 degree tan 0 इज जीरो। ओके स्टूडेंट, अब मैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए ना एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको दिखलाना चाहूँगा। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, हवा में आप किसी बॉल को फेंको, खूब जोर से फेंको, और मान लो कि उसका हाइट किसी भी समय टी पर इस इक्वेशन से निकल रहा है। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स मैक्सिमम हाइट। ध्यान से देखिए, आपने बॉल को फेंका तो हवा में बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, एक निश्चित समय आने के बाद फिर वो धीरे 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 गिरने लगता है। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट। कैसे हम लोग निकालेंगे? हम लोग dy/dx को यूज़ करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड वी कैन फाइंड द स्लोप। ध्यान से देखो, ये है h इक्वल्स टू दिस। जब आप इसे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dh/dt हो गया, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, 14t का 14, 5t स्क्वायर का हो गया 5 × 2t, मतलब 14 − 10t। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्लोप जब जीरो होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगा, उस मोमेंट की बात करो जब वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अब जस्ट नीचे गिरने वाला है, तो उस मोमेंट पर टेंजेंट जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और स्लोप हो गया आपका जीरो। जैसे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो dh/dt बिकम जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? इसको डिफ्रेंशिएट करने से जो आपको मिला था 14 − 10t, दैट बिकम्स जीरो, दैट इज दिस t इक्वल्स टू 1.4। ध्यान से देखिए, इसका मतलब हो गया कि एट द टाइम t इक्वल्स टू 1.4 सेकेंड आपका बॉल हवा में सबसे ऊंचाई जगह पर रहेगा। ध्यान से देखिए, t आपका
ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में बिटवीन 1.4 होगा, 1.4 पर ये देख लो मैक्सिमम हाइट पर। तो डिफ्रेंसिएशन से हमें पता चलता है कि किस समय आपका बॉल किस हाइट को अटेन कर रहा है, राइट। तो इससे हमें पता चला कि एट द टाइम 1.4 सेकेंड इट कम्स ऑन द टॉप। नाउ क्वेश्चन इज उस समय उसका हाइट क्या था। तो हाइट के लिए हम लोग क्या कहेंगे, हाइट का जो इक्वेशन है h इक्वल्स टू 3 प्लस दिस, तो यहाँ जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर आप 1.4 को पुट कीजिए, तो इस तरह से मैक्सिमम हाइट आपका निकला। सो मैक्सिमम हाइट 12.8, ध्यान से देखिए ये 12 है, ये 13 है, इस दोनों के बीच में लगभग लगभग 8 है। तो यहाँ आपने क्या देखा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इससे आपको बहुत कुछ फंडामेंटल क्लियर होता है कि डेरिवेटिव करने से हम कैसे अपने प्रोजेक्टाइल्स के मैक्सिमम पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है, आपको ऑब्टेन करना है स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट दिस। इसमें क्या करेंगे, दिए हुए कर्व को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालोगे, वह एक जनरल स्लोप होगा, हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है। मतलब यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकला उसमें एक्स के जगह पर -3, वाई के जगह पर 4 लिखिए और देखिए कितना। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर भी फाइंड द स्लोप एट दोज पॉइंट्स ऑफ द कर्व जहाँ पर कि दिस मीट्स द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपका कर्व जो है एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। अब याद करो एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। दैट्स वाई वाई बराबर जब 0 हो गया तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, मतलब एक्स बराबर -1, या एक्स -3 बराबर 0 तो एक्स बराबर 3। तो इस तरह से आपको दो पॉइंट मिल गया, फिर पहले क्वेश्चन की तरह एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -1 और 3 के लिए आप ये निकाल सकते। फाइंड द पॉइंट्स, इस क्वेश्चंस में पहले दोनों क्वेश्चंस में आपको स्लोप निकालना था, यहाँ पर पॉइंट्स निकालना है। और स्लोप के बारे में क्या कहता है, टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। माइंड करो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो डी वाई बाई डी एक्स बिकम 0। तो आपका काम है इसको डिफ्रेंशिएट करना, डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्लिसिट वैल्यू निकालना, और उस समय डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 पुट कर दीजिए, एक्स या वाई का वैल्यू निकलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क करने वाला। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो स्लोप क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स इन्फिनिटी, बिकॉज 1090 बिकम्स इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर आया एक्स बाई वाई, तो इन्फिनिटी का मतलब 1/0, तो एक्स इंटू 0 वाई इंटू 1 1, सो इट बिकम्स वाई इक्वल्स टू 0। इस तरह से आप लिखेंगे, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू दिस या परपेंडिकुलर टू दिस। पैरेलल टू दिस का मतलब इसका स्लोप वही होगा जो इस लाइन का स्लोप है, और इसका स्लोप आप कहेंगे वाई इक्वल्स टू 2x + 9, दैट इज स्लोप इज 2। उसी तरह से इसका स्लोप हो जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स है, परपेंडिकुलर है, मतलब -1। तो इस तरह से स्लोप दिया हुआ रहेगा, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली आपको निकालना है, इतना चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ये आपका फंडामेंटल है। थैंक यू। कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक करो।